हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा इमीडिएटली इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। जैसे कि फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देखा और देखकर समझ गए ही होंगे, आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ शायद ही यूट्यूब पे ये पहला वीडियो है और किसी भी बड़े चैनल पे आज तक आपने इस तरह के हैंडसेट को बनाते हुए कभी नहीं देखा होगा। मेरा ये चैलेंज है कि बड़े बड़े टेक्नीशियन भी इस तरह के मोबाइल को आज तक बनाकर किसी ने नहीं बताया है। पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में शायद ही ये पहली बार किसी हम बनाकर डाल रहे हैं और बहुत कम ऐसे टेक्नीशियन भाई है जो कि काम करते हैं लेकिन लोगों को दिखाते नहीं है। और उन सभी बड़े टेक्नीशियन भाइयों को मेरा सलाम, और क्योंकि वो लोग काम तो करते हैं लेकिन दुनिया को दिखाते नहीं है। दोस्तों, आज मेरा इस वीडियो में ये बताने का मकसद मेरा यही है कि फोन फिक्स हैदराबाद किस लेवल का ट्रेनिंग आपको देता है, हमारे पास के मास्टर्स का हैंड स्किल कैसा है, ये आपको दिखाने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं मैं। ये वन प्लस का 80 प्रो हैंडसेट है जिसमें डुअल लेयर बोर्ड है और इस हैंडसेट में फ्रेंड्स ग्राफिक का प्रॉब्लम है जो कि ड्रॉप डाउन केस है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बड़े बड़े टेक्नीशियन ये मोबाइल हाथ में पकड़ने से कांपते हैं, इसको खोलने भी उनको नहीं आता होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मैं जानता हूं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डुअल लेयर बोर्ड को सेपरेट किया है, सेपरेट करके विदाउट स्टेंसिल उसको रिवॉल्विंग करके लगाया है क्योंकि इसके अंदर ग्राफिक का इश्यू था। और इसका जो ग्राफिक का सेक्शन है इसमें फ्रेंड्स सुपर आमो एलईडी डिस्प्ले आता है जिसमें एनोड कैथोड की लाइन नहीं होती है। इसमें जो वोल्टेजेस बनते हैं लाइट को चलाने के लिए वो सब कुछ आपको क्लास के अंदर बताएंगे कि लेटेस्ट हैंडसेट में क्या आपको सप्लाई लाइन चेक करनी होती है। इसमें फ्रेंड्स हमने VSN चेक किया, VSP चेक किया और इसमें लाइट के लिए जो वोल्टेजेस बनने चाहिए उसको हमने चेक किया। ट्रैकें तो सही है, ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फ्रेंड्स सेक्शन ट्रैकों में आपको शॉर्टिंग मिल रही है तो इसको हमने चेक किया और इसमें डुअल लेयर बोर्ड को सेपरेट किया और सेपरेट करके वापस से रिवॉल्व किया और रिवॉल्व करके लगाया। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, ये मेरा गारंटी है कि यूट्यूब की हिस्ट्री में पहला वीडियो होगा इस तरह के हैंडसेट पे। दोस्तों, बहुत सारे सॉल्यूशंस लेकर मैं आता रहूंगा, यूट्यूब की हिस्ट्री में किसी भी चैनल पे ऐसे सॉल्यूशंस नहीं है, उस तरह के सॉल्यूशन लेकर मैं आने वाला हूं और आपको इससे बहुत हेल्प होगी। आपके पास जो सेट आ रहे हैं वो वापस जो जा रहे हैं उसको बहुत इजीली रिपेयर कर सकते हैं। और मेरे पास जो सॉल्यूशंस मैं डालता हूं फ्रेंड पूरे जेन्युइन सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसा मेरे पास कोई भी फेक वीडियो बिल्कुल भी नहीं होता है। आप नीचे वीडियो के लिस्ट में जाइए, जाकर देखिए जितने भी वीडियो हम मोबाइल्स बनाते हैं सारे स्टूडेंट्स के मोबाइल होते हैं। तो ये वीडियो पर एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दे। नेक्स्ट बैच जो है फ्रेंड्स हमारा 5 मई से हमारा नेक्स्ट बैच है जिसमें लिमिटेड सीटें हैं, जल्दी से व्हाट्सअप करें और अपनी सीट बुक कर लें। और दोस्तों, किसी भी इंस्टीट्यूट को आप जा रहे हैं तो सोच समझ के जाइए कि वहां पे जाकर के बच्चे क्या काम सीखकर अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं या सिर्फ जाकर आ रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक वो क्लास में होते हैं वो तो अच्छी बातें करते हैं लेकिन वो जब अपने काउंटर पे जाते हैं, अपने सेटअप पे जाते हैं, अपनी दुकान पे जाते हैं, जाने के बाद जब उनके हाथ में कस्टमर का सेट आता है तो क्या वो फॉल्ट को रिपेयर कर पा रहे हैं, क्या वो फॉल्ट को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, क्या उनको डायग्राम रीड करने आ रहा है, क्या उनको ब्लैक पेस्टेड आईसी खोलना आ रहा है, क्या वो सेट डेट तो नहीं कर दे रहे हैं आईसी खोलने में, क्या डुअल लेकर बोर्ड उनको बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी भी इंस्टीट्यूट के बच्चों को देखिए आप जाकर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फोन फिक्स हैदराबाद के फेसबुक पेज पे जाइए और जाकर देखिए जो बच्चे हमारे काम कर रहे हैं उनके डेली के पोस्ट डालता हूं मैं, जो बच्चे उनके फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे रखते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो बच्चे आकर सीख कर जाते हैं बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर आपको अपना पैसा, अपनी मेहनत का पैसा और अपना टाइम, जो कि इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर पैसा और अपना टाइम बचाना है तो आज ही जुड़ जाइए, तेज का भरोसा कोई नहीं फोन फिक्स जैसा, जल्दी से जुड़ जाइए फोन फिक्स हैदराबाद के साथ। अपने आप को अपडेट करिए, अपनी इनकम को बढ़ाइए और अच्छे लेवल पे काम करिए, प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनिए। दोस्तों, हमारे यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ काम होता है। चलिए देर ना करते हैं, शुरू करता हूं मैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं हमारे पास एक वन प्लस 8 प्रो हैंडसेट है और इसमें प्रॉब्लम यह है, ग्राफिक इश्यू है। तो चलिए पहले सबसे पहले यहाँ पे DC से ऑन कर लेते हैं और ऑन करके चेक करते हैं कि इसमें ग्राफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
और ये सेट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसमें डुअल लेयर बोर्ड होता है उसको कैसे रिमूव करना है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। शायद ही यूट्यूब पे ये फर्स्ट वीडियो होगा इस तरह से काम करते हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैंडसेट हमारा ऑन हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे कोई ग्राफिक नहीं आ रहा है, डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा हैंडसेट पूरी तरह से ऑन हो चुका है। यहाँ पे अभी बताएंगे बोर्ड वगैरह आप निकाल के कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं, वीडियो पूरा एंड तक देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडसेट अभी भी ऑन, ठीक है। तो पीसीबी को सबसे पहले फ्रेंड्स पीसीबी को बाहर निकाल लेते हैं डिस्प्ले से। जैसे कि आप देख सकते हैं इस हैंडसेट में जो पीसीबी है इसमें डुअल लेयर पीसीबी होता है, जिसको हम जैसा एक्स वगैरह में आईफोन में आपने देखा होगा कि डबल लेयर बोर्ड्स होते हैं, ऊपर का एक सेपरेट करना होता है नीचे का सेपरेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफिक सेक्शन है, और यहाँ पे ये जो हैंडसेट हमारे पास आया फ्रेंड ड्रॉप डाउन केस में आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफिक सेक्शन, तो ये जो हैंडसेट आज रिपेयर हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें आपको ना ही बिटमैप में कोई इसका सोल्यूशन मिलेगा, ना ही हार्डवेयर सोल्यूशन मिलेगा, ना ही इसका कोई डायग्राम मिलेगा। अगर आपके पास एक अच्छी नॉलेज है फ्रेंड्स, अगर आप सालों से काम कर रहे हैं तो आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। फ्रेंड्स हम जो हैंडसेट बनाते हैं हम पर्टिकुलर मॉडल वाइज नहीं चेक करते हैं, हमको चाहिए चिपसेट कि सीपीयू कौन सा लगा है इसमें, पावर कौन सा आईसी लगा है, ग्राफिक आईसी कौन सा है, लाइट के लिए कौन सा आईसी यूज़ किया गया है। ये आपके पास अगर नॉलेज होगी तो बहुत इजीली आप बना सकते हैं। ये जो हैंडसेट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स सुपर आमो एलईडी इसमें है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसकी कूल टेस्टिंग कर, तो कूल टेस्टिंग में आपको ये पता चल जाता है कि कोई लाइन वगैरह शॉर्ट तो नहीं है, कोई लाइन ओपन तो नहीं है, कोई लाइन ब्रेक है, या यहाँ पे शॉर्टिंग है, लीकेज है। तो ये जो सेक्शन देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, ये ग्राफिक सेक्शन है जहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक छोटा सा आईसी है यहाँ पे, और दो बूस्ट कॉइल इसके पास में लग के है, और ये सारे कैपेसिटर यहाँ पे है जैसा कि आप देख सकते हैं, और एक बूस्ट कॉइल यहाँ से मिसिंग भी है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमको शॉर्टिंग मिल रही है, सॉरी तीन कॉइल लगकर है यहाँ पे, और तीन कॉइल जो होते हैं फ्रेंड्स इसमें आपको पता ही होगा VSN और VSP, और इसमें ELAVDD एक लाइन होती है जिसमें आपको लाइट के लिए वोल्टेजेस बनते हैं। ये मैं आपको क्लास के अंदर बताऊंगा सुपर आमो LED और TFT डिस्प्ले में क्या फ़र्क होता है, कितने वोल्टेजेस से काम करता है, और क्या क्या सप्लाई वहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कूल टेस्टिंग करके फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर तक की ट्रैकें चेक कर रहे हैं कि जो आपकी VSP, VSN और ELVDD की ट्रैक है, ये तीनों ट्रैकें आपके डिस्प्ले कनेक्टर तक कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसके ट्रैकें चेक कर रहे हैं, और तीनों के तीनों ट्रैकें यहाँ पे डिस्प्ले पे यहाँ पे मिल रही है इसकी कंटिन्यूटी, कोई लाइन मिसिंग नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे हमको इसमें VSN की लाइन में यहाँ पे शॉर्टिंग मिली हमको, जिसे हम वोल्टेज सिस्टम नेगेटिव बोलते हैं, जहाँ पे आपको -5 के आसपास वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। और VSP जो होता है फ्रेंड्स वहाँ पे हमारा +5 वोल्टेज वहाँ पे मिलता है। ऑलरेडी हमने सुपर ओम LED पे एक लेटेस्ट हैंडसेट का भी एक वीडियो बना के डाला है हमारे चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं सुपर ओम LED लाइट किस तरह से वर्क करता है, उसमें क्या क्या सप्लाईयों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड जब भी आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है तो आपको सबसे पहले कूल टेस्टिंग करनी है, आई स्कैनिंग करनी है, और उस सेक्शन से जो आउटपुट लाइनें होती हैं वो कनेक्टर तक ट्रैक एंड चेक करनी होती हैं, उसके बाद आपको हॉट टेस्टिंग करनी होती है, और उसके बाद आप उस सेक्शन पे काम कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टिंग वगैरह मिल रही है तो आप ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, कोई कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट है, या तो फिर आईसी शॉर्ट है, बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं शॉर्टिंग है या लीकेज है या लाइन ओपन है, ये हम आपको क्लास में बताते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसकी कुल टेस्टिंग कर चुके हैं, हमको यहाँ पे शॉर्टिंग मिली है इसकी VSN की लाइन में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो प्रॉब्लम है इसमें, ये ड्रॉप डाउन केस है, तो इसमें हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जो डुअल लेयर बोर्ड है वो कैसे आपको रिमूव करना है। थोड़ा सा वीडियो फास्ट किया हूँ ताकि साइड का ग्लू कट कर लें, और इसके जो अपर लेयर बोर्ड है, ग्राफिक सेक्शन है इसमें, और नेटवर्क का भी कुछ सेक्शन इसमें दिया गया है, और रिंगर का भी यहाँ पे बाजू में इसके सेक्शन है। ये OnePlus 80 Pro हैंडसेट है फ्रेंड्स आपने इसका वीडियो पूरे YouTube पर कभी नहीं देखा होगा, और ना ही इसको कोई ने रिपेयर किया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डुअल लेयर, यहाँ से हम अपर बोर्ड रिमूव करते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं
ये एक अच्छे लेवल का हैंड स्किल अगर आपके पास होगा फ्रेंड तभी आप काम कर सकते हैं। ये सब टेक्नीशियन को ये काम करने नहीं आता है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा बड़े बड़े टेक्नीशियन भी इसको ऐसे हैंडसेट को छूने से सोचते हैं कि क्योंकि बहुत महंगा हैंडसेट होता है, इसके लिए एक बहुत अच्छी हैंड स्किल चाहिए। इसके रिवॉल्विंग के स्टेंसिल्स आते हैं सेपरेट, क्योंकि इसमें नीचे के लेयर और ऊपर के लेयर पे दोनों को ज्वाइंट करना होता है, तो उसमें बॉल्स होते हैं। जैसा आईफोन एक्स वगैरह में आपने देखा होगा कि दोनों का सेपरेट स्टेंसिल आता है, इसके लिए भी सेपरेट स्टेंसिल्स होता है, लेकिन मार्केट में ये अवेलेबल नहीं होता है। तो हमने बहुत इजीली इसको एक डिफरेंट मेथड में विदाउट स्टेंसिल इसके बॉल बनाकर इसको लगाया है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, और वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। और नेक्स्ट बैच जो है हमारा 5 मई से है, लिमिटेड सीटें हैं, जिसमें अगर आप चाहें अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, हैंड स्किल ऐसा बनाना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद की टीम को। हमारे यहाँ पे जो फैकल्टी है फ्रेंड्स, सालों का एक्सपीरियंस है, 15-15 साल का एक्सपीरियंस हमारे फैकल्टी के पास है। हैंड स्किल आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन एक्स वगैरह में प्री हीटर से इस तरह के बोर्ड्स को सेपरेट किया जाता है, बट हमने SMD से ही बहुत ईजिली इसके जो दोनों बोर्ड्स के लेयर से दोनों को सेपरेट कर लिया है हमने। और यहाँ पे हम इसको अभी क्लीन करेंगे सबसे पहले, और क्लीन करने के बाद इसको हम आयरन से इसके बॉल बना देंगे, क्योंकि इसका स्टेंसिल अवेलेबल मार्केट में नहीं है फ्रेंड्स, हमारे पास भी इसका स्टेंसिल नहीं है। और उसके बाद हम इस PCB को फिट करेंगे और आपको बताएंगे हमारा ग्राफिक का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है। दोस्तों फोनफिक्स HYD के यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक चैनल पे बहुत सारे सॉल्यूशंस के वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ। इस तरह के वीडियोस लेकर आऊँगा कि पूरे इंडिया में किसी यूट्यूब चैनल पे ऐसे वीडियोस नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके लिए हमें बनानी ही पड़ती हैं, उनको सोल्यूशन देना ही पड़ता है। तो कोशिश करते हैं टाइम निकाल कर आप सबके लिए कि आपको ये बताएं कि क्या लेवल का, प्रो लेवल का ट्रेनिंग फोनफिक्स HYD के इंस्टीट्यूट में आपको दी जाती है, और यहाँ के मास्टर्स और फैकल्टीज की कैसी हैंड स्किल है ये आपको हम दिखाते हैं। हमारा ये एक डेमो ही समझ लीजिए आप, और हमारे यहाँ पे 20 दिन की ट्रेनिंग में आपको हैंड स्किल हम इतना बेटर करके भेजते हैं कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में आपको जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि फ्रेंड्स इंडिया में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के नाम तो है, लेकिन दर्शन छोटे बोले ऐसा काम चल रहा है। अभी बच्चे इंस्टीट्यूट घूम रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे पास से जो बच्चा सीख कर जाता है वो किसी इंस्टीट्यूट में दिखना नहीं चाहिए। अगर अपडेट होना है हमारे पास ही लाइफ टाइम सपोर्ट होता है, रहने का ऑलवेज फ्री होता है, दोबारा भी आप आते हैं तो आपके लिए फ्री होता है। वैसे हमारे पास दोबारा स्टूडेंट्स आते नहीं हैं, एक बार में उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि दोबारा आने का उनको ऐसा फील ही नहीं होता है, वो अच्छे लेवल पर काम कर लेते हैं। अगर उनके काम आपको देखने हैं हमारे WhatsApp के स्टेटस पे देखिए जाकर के, डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है 8639124851, कोई भी नंबर आप सेव कर लीजिए, WhatsApp स्टेटस पे देखिए जो बच्चे जाकर काम कर रहे हैं उनके स्टेटस है, या तो आप Facebook के पेज पे जाइए, YouTube की कम्युनिटी पे देखिए बच्चे किस लेवल पे काम कर रहे हैं, उन्हीं के पोस्ट हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे सीख कर जाने के बाद आफ्टर कोर्स रिजल्ट उनके हम दिखाते हैं कितने अच्छे लेवल पर वो काम कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी ना जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास स्टेंसिल नहीं है, हम यहाँ पे रांगा ले लिए हैं, जिसे हम सोल्डरिंग वायर बोलते हैं, आयरन की मदद से हम जो इसके बॉल है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद PCB लगाएंगे और लगा कर देखते हैं कि हमारा हैंडसेट ऑन होता है कि नहीं होता है। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, और अपने आप को अगर अपडेट करना है, अगर आपको सर्किट डायग्राम की नॉलेज चाहिए, या फिर आपको एक ऐसी हैंड स्किल चाहिए जिस पे आप कोई भी सेट पे काम करने से डरेंगे नहीं बिल्कुल भी, ऐसा हैंड स्किल ये आपको देंगी फोनफिक्स हैदराबाद की टीम। जल्दी से कॉल करिए, आज ही अपनी सीट बुक कर लीजिए, बहुत ही लिमिटेड सीटें हैं। नेक्स्ट बैच हमारा जो है 5 मई से बैच है, जल्दी से जुड़ जाइए फोनफिक्स हैदराबाद टीम के साथ और एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनिए। हमारा जो इंस्टीट्यूट है फ्रेंड्स हैदराबाद तेलंगाना में है, मेन सिटी में है, और इंस्टीट्यूट और हॉस्टल बिल्कुल पास ही में है, और हमारे इंस्टीट्यूट के वीडियोस हम हर रोज़ लाइव डालते हैं फेसबुक पेज पे फोनफिक्स HYD के, तो वहाँ भी आप डेली हर रोज़ की क्लास को देख सकते हैं कि किस लेवल पर हम वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और किस तरह से यहाँ पर हम बॉल इसके बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्टेंसिल इसका मार्केट में मिलता नहीं है फ्रेंड्स। तो ये अगर आपका हैंड स्किल अच्छा होगा तभी आप इस तरह का काम कर सकते हैं,
क्योंकि ये जो है फ्रेंड्स इसमें ब्लैक पेस्टेड ग्लू होता है, तो इसका जो मेन बोर्ड है उसमें इसका ब्लैक पेस्टेड बोर्ड उसी में लग जाता है ज़्यादातर, तो इसको क्लीन करना होता है। और बॉलें जो हैं अच्छे से बनानी होती हैं, क्योंकि बॉलें अगर प्रॉपर टच नहीं होगी तो आपका हैंडसेट प्रॉपर ऑन नहीं होगा, सेक्शन आपके वर्क नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो अपर लेयर बोर्ड है इसे हम लगा लेते हैं, और लगाने के बाद इस पीसीबी को चेक करेंगे कि हमारा जो ग्राफिक का प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है। जैसा कि आपने देखा पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ आपको बताने की कि लेयर डबल लेयर बोर्ड को सेपरेट कैसे किया हमने और कैसे इसके बॉल बनाए। अगर आपके पास स्टेंसिल होता है तो बहुत इजीली वन शॉट में आप ये काम कर सकते हैं, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। आईफोन एक्स या फिर एक्सआर वगैरह में आपने देखा होगा डुअल लेयर बोर्ड होता है जिसके अंदर आपको अपर लेयर का भी स्टेंसिल मिलता है जिसमें हमको बॉल बनाने होते हैं। तो चलिए पीसीबी को थोड़ा कूल होने देते हैं और कूल होने के बाद चेक करते हैं। ये अच्छे से लगना चाहिए फ्रेंड्स, अदरवाइज आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये YouTube की हिस्ट्री में पहला वीडियो है YouTube चैनल पे, किसी भी बड़े बड़े चैनल पे या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने इस तरह का बड़े बड़े हैंडसेट पे काम करते हुए नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद के फैकल्टी के जो हैंड स्किल, किस तरह की हैंड स्किल है, कैसे यहाँ पे हम काम करते हैं, कैसे बच्चों को सिखाते हैं। यही चीज़ हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा काम सिखाए बच्चों को, उनकी मेहनत का पैसा, उनकी जो टाइम है वो वेस्ट ना जाए। सबसे बड़ी बात होती है फ्रेंड्स आपका भरोसा। एक भरोसा करके आप एक इंस्टीट्यूट को आते हैं, अपना घर छोड़ के आते हैं, अपनी दुकान बंद करके आते हैं, तो वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए जो आप सोच के आए हैं अपने मन में। आप सेटिस्फाई होकर जाना चाहिए। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट वालों की भी कमी है कि वो बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़रूरत होती है कि अपने आप को हम अपडेट करें, अदरवाइज़ बच्चों का भरोसा जो है हम नहीं जीत पाएंगे और वो सबको अपने जैसा ही समझेंगे। अगर किसी के अंदर कमी है तो उसको दूर करनी होती है फ्रेंड्स, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई भी हो, अपने अंदर कुछ कमी है तो उसको ज़रूर दूर कर लें ताकि किसी को भी हमारी वजह से
कोई भी तकलीफ ना हो। हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स हम मदरबोर्ड फ्री देते हैं, एक 4G का ऑन हैंडसेट फ्री देते हैं, साथ ही साथ आपको व्हाइट पेस्टेड के 2 बोर्ड और ब्लैक पेस्टेड के 2 मदरबोर्ड आपको देते हैं, एक डुअल डेकर का बोर्ड देते हैं जिसमें आप CPU वगैरह IC खोलते हैं, क्लीन करते हैं, वापस से उसको आप रिवॉल्व करके लगाते हैं। और हमारे यहाँ पे लाइव मदरबोर्ड पे काम कराते हैं, डेड बोर्ड पे हम सिखाकर बिल्कुल भी नहीं भेजते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल स्किप मत करिए। चलिए PCB को थोड़ा सा कूल होने देते हैं और उसके बाद डिस्प्ले में लगा के चेक करते हैं कि हमारा फॉल्ट जो है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। वीडियो में कोशिश की गई है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाएं, और इस तरह के अगर हैंडसेट आपके पास आते हैं तो आप काम तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बनानी पड़ेगी आपकी हैंड स्किल, अदरवाइज आप ऐसे बड़े हैंडसेट पे काम नहीं कर सकते। तो हैंड स्किल जो आपकी बनाती है वो बनाती है फोन फिक्स हैदराबाद की टीम। तो नेक्स्ट बैच 5 मई से है, जल्दी से कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, डिटेल ले लीजिए, अपने आप को अपडेट करिए। जो सेट वापस जा रहे हैं यानी आपकी इनकम वापस जा रही है, तो अपनी इनकम बचाना है और इनकम को बढ़ाना है तो जल्दी से जुड़ जाइए फोन फिक्स हैदराबाद टीम के साथ। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्राफिक का इशू था हमारा वो सॉल्व हो चुका है और हैंडसेट हमारा यहाँ पे ऑन हो रहा है। चलिए देखते हैं कि पूरी तरह से हैंडसेट हमारा ऑन होता है कि नहीं होता है। इसमें जो फॉल्ट आया फ्रेंड ड्रॉप डाउन केस की वजह से ग्राफिक इसका जा चुका था। जैसे कि आपने देखा स्टेप बाय स्टेप हमने पूरी कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की कि कैसे हम इस तरह के हैंडसेट पे काम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यूट्यूब की हिस्ट्री में शायद ये पहला वीडियो होगा OnePlus 8 Pro। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हैंडसेट हमारा ऑन होते हुए सेकंड लोगो आ चुका है और ये हैंडसेट अभी पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें और इसी तरह से सपोर्ट करिए फोनफिश हैदराबाद की टीम को। और हमारी टीम इसी तरह से सॉल्यूशंस के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेगी। जुड़े रहिए फोनफिक्स हैदराबाद के यूट्यूब चैनल के साथ और फेसबुक पेज के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हैंडसेट हमारा ऑन होते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हैंडसेट पूरी तरह से ऑन हो चुका है। मिलते हैं किसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।